पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सुर बदल रहे हैं। शहबाज शरीफ ने भारत के साथ 3 युद्ध को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने अल अरेबिया टीवी को दिए गए इंटरव्यू में भारत से अब तक हुए युद्ध पर गहरा अफसोस जताया। 1971 अभी भी उनको खर रहा है। 90,000 POW हमने छोड़ दिए थे उनके। भारत समेत दुनिया भर में आतंकियों के सबसे बड़े सप्लायर पाकिस्तान अब अपनी करनी पर पछता रहा है। पाकिस्तान has learned its lesson. We had 3 wars with India. 3. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दुनिया के सामने टेलीविजन पर अतीत में भारत से हुए युद्ध पर अफसोस जता रहे हैं, भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं, बार बार भारत से मिले सबक की दुहाई दे रहे हैं। We have learned our lesson and we want to live in peace with India. हर युद्ध में करारी हार के बावजूद पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की आर्मी हेकड़ी दिखाने से बाज नहीं आती थी, लेकिन जब आतंकिस्तान के नाम से बदनाम इस मुल्क में भुखमरी चरम पर है तो वहाँ के नेताओं को भारत की याद सता रही है। शायद भारत में आतंकियों की सप्लाई पर पाकिस्तान को अब पछतावा हो रहा है, लेकिन कहते हैं ना, जैसे जलने के बाद भी रस्सी की ऐंठन नहीं जाती, वैसे ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब भी परमाणु ताकत का गुरूर दिखा रहे हैं, कश्मीर दाग आलाप रहे हैं। हालत पछता है तो फिर अब ये सुर बदल रहे हैं। पाकिस्तान में तंगहाली का आलम यह है कि वहाँ लोग मुट्ठी भर आटे के लिए तरस रहे हैं। पाकिस्तान का पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। ऐसे में अब वहाँ की मीडिया भी एक तरफ पाकिस्तान की सरकार को बुरा भरा कह रही है तो दूसरी तरफ भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे पड़ रही है। पाकिस्तान नाकामी का कीर्तिमान बना रहा है तो भारत कामयाबी के झंडे बुलंद कर रहा है। ऐसे में अब पाकिस्तान के अखबार और न्यूज चैनल भी भारत की तारीफ में जुटे हैं। पाकिस्तान के एक प्रमुख अखबार ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति शानदार है। भारत की GDP 3 trillion American dollars से ज्यादा हो चुकी है। भारत सभी निवेशकों के लिए एक पसंदीदा स्थान है। भारत कृषि उत्पादों और IT उद्योग का भी एक बड़ा उत्पादक है। कृषि में उनकी प्रति एकड़ पैदावार दुनिया में सबसे अच्छी है। भारत की शासन प्रणाली समय की कसौटी पर खरी उतरी है और एक मजबूत लोकतंत्र को साबित किया है। डेमोक्रेटिक सेटअप जो है हिंदुस्तान का दुनिया के अंदर सबसे मजबूत और सबसे माना जाता है। पाकिस्तान के अखबार ने आगे लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने भारत को ब्रांड बनाने के लिए कुछ ऐसा किया है जो उनके पहले कोई नहीं कर सका। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत जो महसूस करता है और जिस हद तक उसे जरूरत है वो करता है। इसके पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी भारत की विदेश नीति की तारीफ कर चुके हैं। उधर पाकिस्तान में अंधेर नगरी चौपट राजा जैसे हालात भी नजर आ रहे हैं। आटे के लिए मचा कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज हो गया है। पाकिस्तान में महंगाई इस कदर बढ़ गई कि लोग भूख से तड़प रहे हैं और आपस में ही लड़ रहे हैं एक बोरी आटा के लिए। पाकिस्तान के कई शहरों में इन दिनों 1 किलो आटे की कीमत 150 पाकिस्तानी रुपए को भी पार कर गई। पाकिस्तान के कई शहरों में आटे की बोरियां मारपीट की बड़ी वजह बन चुकी हैं। यही नहीं, वहां के लोग एक बोरी आटे के लिए सेना के जवान और पुलिस से भिड़ने में भी नहीं डर रहे। इस बीच पाकिस्तान के एक इलाके से सामने आई तस्वीर ने वहां भुखमरी के हालात को एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। इस वीडियो में कई लोग अपनी मोटरसाइकिलों पर बैठकर एक ट्रक का पीछा करते दिखाई दिए। बताया गया कि उस ट्रक पर सब्सिडी वाले आटे की बोरियां लदी थी जिन्हें पाने के लिए कई लोगों ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगा मानो वहां मोटरसाइकिल की रैली निकाली गई हो। और पाकिस्तान जैसी हालत एक और मुस्लिम आबादी वाले देश मिस्र की भी हो गई है। वहां भी रोटी के लिए हाहाकार मचा है। पाकिस्तान की तरह मिस्र में भी बढ़ती महंगाई से लोगों की थाली से रोटी गायब होती जा रही है। लेकिन खबर है कि यूक्रेन जंग की वजह से मिस्र की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा, क्योंकि जो विदेशी निवेशक मिस्र में कारोबार शुरू करने वाले थे उन्होंने जंग के बाद अपने हाथ खींच लिए। वहीं यूक्रेन युद्ध की वजह से गहराए गेहूं संकट का सामना मिस्र को भी करना पड़ा, क्योंकि वो ज्यादातर गेहूं आयात करता है। ऐसे में दुनिया भर में गेहूं के दाम बढ़ने का खामियाजा मिस्र को भी भुगतना पड़ रहा है। इसी वजह से वहां भी रोटी के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं।